मोहनजो दारो के फेलियर के लिए ऋतिक रोशन और डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर में झगड़ा बढ़ने लगा है। जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तो ऑडियंस में फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटमेंट था, लेकिन फिल्म देखने के बाद ज्यादातर ऑडियंस ने आशुतोष और ऋतिक का मजाक उड़ाया। ऋतिक को फिल्म से बेहद उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप रही। अब दोनों ने फिल्म के फेलियर के लिए एक दूसरे को दोष देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ऋतिक ने डायरेक्टर आशुतोष गोवारीकर को एक टेक्स्ट भेजा था जिसमें उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आशुतोष को फिल्म फ्लॉप होने के लिए जिम्मेदार बताया। आशुतोष को ऋतिक का यह मैसेज नागवार गुजरा। उन्होंने पलट कर उसी लैंग्वेज में ऋतिक पर इसे फ्लॉप होने का आरोप लगा दिया। तो अब कुल मिलाकर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर दिया है ऋतिक और आशुतोष ने फिल्म मोहनजो दाड़ो के लिए।